brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी में छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। आज 23 मई शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया। 23 मई को उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट में 9 में आज अखिलेश यादव की रैली हुई। ये रैली बाबू सिंह कुशवाहा के लिए हुई, यहाँ से करने के लिए हुई। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जी, प्रचार प्रसार थम गया है, कैसा रहा ये पूरा कैंपेन आपका जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, जौनपुर जिले के लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बड़े पैमाने पर अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो यहाँ हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की आम जनता बीजेपी गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल से वो तंग आ चुकी है, ऊब गई है। तो उन्होंने मन बना लिया है और सब आम आदमी चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और सारे लोग इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। ये देखा जा रहा है आमतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में, जब बात की जाती है कोर वोट की, पीडीए का तो नारा दिया ही है इंडिया अलायंस ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने। उस फैक्टर को जौनपुर में कितना मजबूत देख रहे हैं आप, क्योंकि बड़े संख्या में यहाँ पर मौर्या वोटर्स हैं, माइनॉरिटीज़ के वोटर हैं और जो अन्य बिरादरियाँ हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक जो समीकरण की बात होती है, जो हम कास्ट उसकी बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो उस लिहाज से जौनपुर आपको कैसा दिख रहा है अपने चुनाव के लिहाज से? देखिए, यहाँ जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए की बात करी है, चाहे वो पिछड़ा की है, दलित की है, अल्पसंख्यक की है, हमारी आदिवासी बहनों की है, उनके लिए है। तो पीडीए का नारा पूरी तरह से कारगर है, कामयाब है। पीडीए के सारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और ख़ास करके पीडीए के लोग, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है संविधान बदलने का। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो हम ये सब जानते हैं, और हमारे जो पीडीए के साथी हैं वो ये जानते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान बदला तो हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का संकट भविष्य अधर में पड़ जाएगा, हमारा वजूद मिट जाएगा, हम इज्जत सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी सकते देश में। इसलिए हमारा संविधान ना बदला जाए, इसके पक्ष में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन खड़ी है। तो ये भी एक बड़ा कारण है समाज के हर तबके का कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, खास करके बहनें हमारी समझ रही हैं, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हम कतई नहीं चाहते कि इसको बदला जाए। तो संविधान बदलने की बात जो बीजेपी कर रही है, तो उसी को लोगों ने बदलने का मन बनाया। लेकिन बीजेपी तो बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात को खारिज कर रही है कि ये सिर्फ एक विपक्ष जो है वो नैरेटिव सेट कर रहा है संविधान बदलने जैसी चीज़ को लेकर के, ऐसा कुछ है नहीं। ये बीजेपी का जो पक्ष है वो ये है। नहीं, ये आप पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी तो नहीं रख रही पक्ष। मोदी और तमाम बड़े नेता आप कह रहे हैं। बीजेपी के मिनिस्टरों ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, और बीजेपी के एमपी ने क्या कहा, 4 साल पहले बीजेपी के मिनिस्टरों ने क्या कहा। संविधान की कापियाँ जलाई गई पार्लियामेंट के नज़दीक, वहाँ जहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है, कौन सी जगह नाम है उसका, जंतर मंतर में संविधान की कापी जलाई गई है। इससे बड़ी क्या बात है? तो कभी जब उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं ने कि हम संविधान बदलेंगे, किसी ने उस समय खंडन किया? आज जब चुनाव में उन्हें लगता है कि नुकसान हो रहा है तो खंडन हो रहा है ना, आज तक तो नहीं खंडन हुआ। चुनाव उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये लोग तो जागरूक हो गए, संविधान की बात तो जान रहे हैं, तो इसलिए ये खंडन हुआ वोट के मौके पे, बाकी तो कभी खंडन नहीं हुआ। तो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये बीजेपी ने कहा है कि संविधान वो बदलेंगे, उसी को हम कह रहे हैं कि भाई अगर संविधान बदलना है तो हमें संविधान के पक्ष में खड़े होना है, अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े वर्षों से जो है राजनीति में सक्रिय हैं, एक एक बारीकियों को उसकी समझते हैं। 14 अप्रैल को बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिलता है, 21 को जौनपुर आते हैं। उसके बाद सारी जो राजनीति है वो बाबू सिंह कुशवाहा के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है चुनाव में। नहीं, ये लोगों का संदर्भ में कह रहा हूँ, ये भी बताऊंगा, पहले आपका जवाब। देखिए, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल है, इंडिया गठबंधन की लहर है। तो सब जगह लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, जौनपुर के साथ साथ सब जगह खड़े हैं। आप ही के दल के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किनारा कर लेते हैं आपका ही हवाला देकर के। आपके एक दूसरे जो प्रत्याशी हैं बसपा के, श्याम सिंह यादव, वो भी एक हलफनामा लेकर के टहल रहे हैं, कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा ऐसे हैं, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को वो किस तरीके से देख रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा इस सारी चीज़ें? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं और आरोप किस पर नहीं लगे, आरोप तो सभी पर हैं। और हम तो एक, मान लीजिए, बैकवर्ड क्लास के आदमी थे, ऊपर हमारा कोई था नहीं, तो हम राजनीतिक शिकार हो गए। बाकी कौन सा ऐसा व्यक्ति है बड़े से बड़ा जिसके ऊपर आरोप नहीं है? तो आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। रह गई कौन क्या कहता है, इसमें मैं नहीं जाता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम संविधान को बचाने के लिए, अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपने बच्चों मतलब देश के बच्चों की बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग राजनीति में हैं। और जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी के निर्देश पर, तो जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ के लोग हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें जिताएंगे। अखिलेश यादव ने आज जो आपके लिए रैली की नौपेड़वा में, समाजवादी पार्टी के लिए जो रैली की, उसमें उन्होंने दो बातें बहुत प्रमुख रूप से कही जो कि जौनपुर को लेकर के कही थी। एक तो ये कहा कि उनके साथ, उनसे कई लोग टिकट मांग रहे थे और मौजूदा सरकार ने जो है उनको जेल भेज दिया, कई लोग बम्बई से आए हुए हैं, तो ये सारे लोग अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। हाँ, वो कह रहे थे तो सही कह रहे थे। इशारा जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तरफ था, हालांकि अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया था। नहीं, वो जो कह रहे होंगे तो उनको कुछ जानकारियाँ क्या हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये जानता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे और बड़े पैमाने पर जौनपुर की जनता उनको देखने गई, उनके विचारों को सुनने गई और उन्होंने अपील की, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से मैं उनका प्रत्याशी हूँ, तो मुझे जिताने के लिए उन्होंने अपील की और लोगों ने उनकी अपील को, जो मैंने महसूस किया, स्वीकार किया और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। एक आखिरी सवाल है बाबू सिंह कुशवाहा जी, अखिलेश यादव की रैली का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरा, यहाँ आपके आने के बाद एक डबल MY फैक्टर की बात कही जा रही है, मौर्य माइनॉरिटी यादव, तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? एक अखिलेश यादव की रैली का इम्पैक्ट और दूसरा ये जो फैक्टर कहा जा रहा है डबल MY का, इसको कैसे देख रहा है? डबल MY के साथ साथ समाज का हर तबका हमको वोट दे रहा है, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति हमें, हर जाति धर्म मजहब के लोग हमें वोट दे रहे हैं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, सबका इसने, सबका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और आदरणीय अखिलेश यादव साहब के आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया है और तेज़ी से बढ़ गया है लोगों का। जिस अभी तो मान लीजिए 3-4 घंटे हुए उनको गए, मैं जो क्रिया प्रतिक्रिया देख रहा हूँ लोगों को, आपके जौनपुर शहर में, मछली शहर में, लोग एक तरफा हो गए हैं कि नहीं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, अब एक तरफा होना है, हमको एक तरफा वोट करना है। तो आश्वस्त हैं इस बार कि जौनपुर की जनता आपको सदन भेजने जा रही है? देखिए, आश्वस्त तो आदमी देख के लगता है कि है, लेकिन अभी तो वोट पड़ना बाकी है, वोट पड़ना बाकी है, वोट गिरना बाकी है। जहाँ तक मैं जहाँ वोटिंग हुई है मैंने देखा है कि यहाँ मैंने देखा है कि वोटर लिस्ट से नाम बहुत काटे गए जौनपुर में, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, आधे जी काटे गए ना, वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। अभी तो नाम काटने की शिकायत है बड़े पैमाने पर। अब 25 को वोट पड़ना है, देखिए वोट पढ़ने देते हैं कि नहीं पढ़ने देते हैं। नहीं तो ये जो वोट कटने की बात करें लिस्ट से, तो क्या इसकी कहीं आपने आपत्ति दर्ज कराई बाबू सिंह कुशवाहा, अगर ऐसा है तो आप? जी, आपत्ति दर्ज कराई है, बताया है, पर्ची जा रही है ना जी। अब पता चल रहा है ना कि वोटर लिस्ट में कितने नाम है। पहले तो नाम था हमारा, लेकिन जब आज हमें वोटर पर्ची जाती है ना, आज पता चल रहा है, ये लोग बता रहा है कि आपका नाम ही नहीं। तो क्या ये काट छाट जो की जा रही है ये कैसे की जा रही है, मतलब जैसे कुछ आपको आइडिया है उस चीज़ का? ये एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी विशेष या कुछ ऐसा? हाँ हाँ, जो भी जितना समझ में आ रहा है कि भाई ये इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हो सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जौनपुर रैली के बाद से एक इम्पैक्ट पड़ा है और XMY फैक्टर के साथ साथ जो अन्य सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर हैं वो भी यहाँ पर जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।